से हारेंगे हर बाजी जब खेलेंगे हम तीस रन से और खेल शुरू हो गया है और खेल शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले ये मीटिंग करने के लिए परमिशन नहीं दे रहा था ये दिल्ली का पुलिस। दो दिन पहले हम लोग का कॉमरेड को जल दिल्ली यूनिवर्सिटी पे बेरहमी से मारा और सोचा था हम लोग चुप करके बैठेंगे। कुछ महीने पहले हमारा कॉमरेड कॉमरेड अभिमन्यु को खून कर दिया गया। हर वक्त हमारा हिमाचल प्रदेश से कॉमरेड लोग आए रूसा और सीबीसीएस के खिलाफ हर वक्त लड़ाई चल रहा है, जीत रहा है। महाराष्ट्र ट्राइबल हॉस्टल के मांगों को लेकर वो लड़ाई लड़ रहा है और जीत रहा है कॉमरेड। वो लोग सोचे थे जेल में भेज कर मार के खून करके हम लोगों को दमन कर सकते हैं वो लोग, लेकिन वो लोग गलत थे। हिटलर कर नहीं पाया, इमरजेंसी कर नहीं पाया, तो ये मोदी कौन है? हम लोग कहते हैं जेल के ताले कच्चे थे, हमारे कॉमरेड सच्चे थे। वही हम लोग मांगों को लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कच्छ से लेकर कलिमा तक और उल्टा खेल शुरू हो गया है, क्योंकि हम लोगों का मांग है। पहले दिन से जब लड़ाई लड़ रहा था हम लोगों ने, वी आर द स्टूडेंट who raised the first voice and the voice of dissent against this Modi Raj. We are the first. इसके लिए शुरू किया था आईआईटी मद्रास से, फिर एफटीआईएल, जेएनयू, एचसीयू, एक के बाद एक इंस्टीट्यूट में हमला चल रहा था यहाँ पर ये मोदी राज में। और ये मोदी राज ने जो वादा किया था वो वादा नहीं निभाया। और इसके लिए स्टूडेंट लोग हम प्रश्न पूछते थे, अरे मोदी जी आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो कहा गया? हम लोग प्रश्न करते थे वो 15 लाख जो बैंक अकाउंट में जमा होना था वो कहा गया? हम लोग प्रश्न पूछते थे वो किसानों को सब्सिडी देने बाद वो कहा गया? कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और तभी हम लोगों को देशद्रोही बोल रहे हैं ये लोग। और क्या कर रहे हैं ये लोग? जो लोग बोला था नोटबंदी कर रहा है टेररिज्म को रोकने के लिए, और हम लोगों का 40 जवान आज भी 4 जवान शहीद हो गए। और जब जवान शहीद हो रहे हैं बीजेपी का एमपी नेपाल सिंह क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं ये तनख्वाह देते हैं इससे ये करते हैं मरते हैं, देश की जवानों के ऊपर ये तमाशा हम नहीं सहेंगे, इसलिए हम यहाँ पर हैं। हम लोग देखते हैं जो जवान जो लोग शहादत दे रहे वो किसानों का घर का मजदूरों का घर का बेटा भी बेटा है। और जो किसान उन लोगों का हालत क्या है? 20 बरस में पिछले 20 बरस में 3.5 लाख किसान सुसाइड किया है हमारे देश में। कुछ दिन पहले हम गए थे माथावरा रीजन में महाराष्ट्र का, वहां पर एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहा है। और दूसरी तरफ उस माथावरा का जिस स्टेट में है महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई में, कुछ दिन पहले एक शादी हुआ, शादी में एक दिन का खर्चा है 720 करोड़ रुपया। वहाँ का एक पानी के लिए जहाँ पर लोग तरस रहे हैं एक बोतल पानी का भाव प्राइस है 6 लाख रुपया, 6 लाख। आइसलैंड का ग्लेशियर से वो पानी आता है। और दूसरी तरफ देखिए उन लोगों के लिए सरकार कुछ भी कर रहा है। हम लोग का जो भी कुछ देर पहले यहाँ पर लोकोमोटिव रोक मूवमेंट कर रहा था क्योंकि प्राइवेटाइज हो रहा है सारे के सारे। हम लोग जब मांग कर रहे 2 करोड़ नौकरी कहा गया? हम लोग जब मांग कर रहे थे ये बात तो 2 करोड़ तो दूर की बात है, 2018 में सिर्फ
एक करोड़ 10 लाख लोगों का काम चला गया एक देश में। हम अध्यक्ष खड़ा थे तमिलनाडु के अंदर 14 पोस्ट स्लीपर पोस्ट के लिए 4,600 MBA पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट लोग उन्होंने एप्लीकेशन भरा है। हालात ऐसा जब हो रहा है तब वो लोग बोल रहे हैं मेक इन इंडिया का बात, तो हम लोग पूछ रहे हैं भैया सर जी मेक इन इंडिया कहाँ गया। मोदी जी जो इस्तेमाल करता है अपने शरीर में तो जो ही बात है, वो चश्मा है इटाली से आता है, उसका जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो जर्मनी से आता है, वो स्टैचू तैयार हो रहा है वो होता है मेक इन चाइना है। तो इंडिया का क्या है, और ये मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो भी मेड इन स्विट्जरलैंड है। तो मोदी जी को हम लोग पूछ रहे हैं ये बात, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। 2 करोड़ रोजगार, वो तो दूर की बात है, जैसे मैं बोल रहा था क्या आज तो मोदी जी ने बोल रहा है आप पकौड़ा भेजो पकौड़ा बेचो। और मोदी जी का एक चमचा बैठा है यहाँ पर, त्रिपुरा से कांग्रेस लोग आए हैं, हर वक्त वहां पर उन लोगों के ऊपर जुर्म चल रहा है। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री या मूर्ख मंत्री बोलो पता नहीं चलता है, तो वो बोल रहे हैं अब पान का दुकान खोल लो। अरे ये तो तमाशा है नौजवानों के ऊपर, और सरकार का कोई ख्याल नहीं है।